You're listening to ChiniMandi.com podcast. केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2022 के लिए 22 लाख टन चीनी बिक्री कोटा जारी। बांग्लादेश में महंगी हुई चीनी। केंद्र सरकार ने 61 इथेनॉल उत्पादक परियोजनाओं को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश में गन्ना पेराई सत्र हुआ शुरू। द्वारिकेश चीनी मिल में 8 नवंबर से शुरू होगा पेराई सत्र। शुगर एक्सपोर्ट DGFT ने चीनी निर्यात पर प्रतिबंध 31 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाया। पाकिस्तान में बाढ़ से किसानों का हुआ बुरा हाल। बेलगावी बागलकोट में फ्लेक्स फ्यूल स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। 4 चीनी मिलों के पेराई सत्र का आज होगा प्रारंभ। दिसंबर के अंत तक बकाया भुगतान कराने के निर्देश। ये सारी न्यूज पढ़ने के लिए विजिट करें chinimandi.com और YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाइए।